ईद so और मैंने सोचा की मैं आपके लिए एकजी सुपर डूपर ईजी मेकअप वीडियो लेकर आऊ तो ये है मेरा ईद का मेकअप लोग जो मैंने ट्राई किया है इट्स वेरी इजी फॉर एनी कैंड ऑफ बिग्नो तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें अप्लाई की और कैसे ये लुक क्रिएट किया है सबसे पहले मैंने पे डार्क सर्कल्स को छुपाने की कोशिश की है विच इज वेरी लाइट ऑल दो बट ऑरेंज कंसीलर लगाओगे तो आपके डार्क सर्कल्स वगैरह काफी अच्छे से कंसील हो जाते हैं और उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना होता है ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से और आपकी फेस टोंड लगे लाइक इवनली टोंड लगे तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रॉल लगा रही हूँ बेस एक्चुअली मैंने पहले ही कर लिया था मैंने प्राइमर के रूप में यूज किया था एलोवेरा जेल जो कि आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है और आपके मेकअप काफी इवन लगती है यहाँ पे मैंने कंट्रॉइंग कर ली है उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन यहाँ पे मैं मे का फिट मी फाउंडेशन लगा रही हूँ और इसे मैं अपनी उंगलियों के भी सहायता से ही इसे मिलाऊंगी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्लेंडर मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी मैं आपको एक सुपर इजी सुपर यू नो क्विक वाला मेकअप लुक क्रिएट करके दूँ इसलिए मैंने हाथों का ही इस्तेमाल किया है इसे ब्लेंड करने के लिए अब मैं इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मे बलीन का ही फिट मी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लगाने से आपकी मेकअप बिल्कुल भी ग्रीजी या कि नहीं लगती है और अच्छे से सेट हो जाती है तो मैंने सभी जगह लगा लिया अच्छे से इसके बाद मैंने अपने ब्राउज को सेट किया है मैं यूज करती हूँ ब्राउ पाउडर वट वाइल्ड का जो कि मेरा बहुत बहुत फेवरेट है आपके पास जो भी है आप उसे यूज कर सकते हैं ब्राउ को मैं इवनली सेट कर लूंगी लाइक बोथ दी थिंग राइट और लेफ्ट ताकि दोनों इवन लगे और उसके बाद आप उसे आपके पास कोई भी स्पूली ब्रश होगा उससे उसे आप अच्छे से सेट कर लो ताकि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ना लगे फिर मैं यहाँ पे कलर से अपने आई को कर्ल कर लूंगी और अब मैं आई शेडो लगा रही हूँ आई शेडो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ब्लू का ही शेड है विच लाइटर शेड देन माई सूट शेड और एंड्स पे मैं क्या करूंगी ज्यादा लगाने वाली हूँ सो बेसिकली आउटर कॉर्नर पे ज्यादा रहेगी और इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा कम रखूंगी और अपने आई बॉल्स को थोड़ा बड़ा दिखाते हुए मैंने यहाँ पे आई शेडो लगाया है देख लो आप मैंने नजदीक से दिखा दिया आपको और दोनों आईस के ऊपर आप अच्छे से लगा लो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लूज लूज आई शेडो यो पाउडर टाइप का आता है ये स्वेस्ट ब्यूटी का और ये आपके जो भी लुक होता है ना आई शेडो का उसको काफी ज्यादा एक्सेंचुएट करता है आप देखो मैं यहाँ पे लगा रही

तो ये मैंने लगा लिया है आ, इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ, लाइनर मैं इसे बहुत पतला रखूंगी थोड़ा सा थिक भी बनाऊंगी रखने वाली अदरवाइज आई मेकअप बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और अपने लैशेस को मैंने मस्कारा से थोड़ा थिकन कर लिया है दोनों साइड लैशेस को जिससे कि आई की लुक बहुत ही अच्छी आती है मस्कारा अगर आप बिना लाइनर या किसी मेकअप के भी लगाओ ना आइस पे तो आपकी आईज काफी एक्सेंचुएट हो जाती है फिर यहाँ पे मैं मैट लुक का यूज कर मैट इफेक्ट वाला लिपस्टिक है मैंने ग्लॉसी नहीं यूज किया ऑफकोर्स बिकॉज मेरी आईज काफी ब्राइट मेकअप मैंने आईज पे क्या हुआ है तो मैट रखा है मैंने इसे पेर करी हु मैं इसे मोतियों वाले ईयर के साथ और साथ ही मैंने पाशा भी पहनने वाली हूँ